कोरोना से संबंधित आप अपना कोई उपाय या सुझाव हमारे चैनल हापुड़ हलचल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो अपना वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें 9045203788791679847। नमस्कार, ज्योति सागर के साथ आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आज भारत बंद के दौरान हमारे चैनल की टीम मेरठ रोड हापुड़ पर मधुबन कॉलोनी गई, जहां एक फैमिली ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन किया है और बहुत ही उम्मीदों के साथ किया है। उन्होंने कहा कि भारत बंद हमारे देश हित में फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये देश हित में सोचते हुए बहुत अच्छा कदम उठाया है। हम और हमारा देश मोदी जी के इस कोरोना से जंग में पूर्ण रूप से साथ हैं। इसी बात की हम सबको खुशी है कि मोदी जी ने पूरे देश से कोरोना से बचाव के बारे में सोचा है। बस एक बात की चिंता चल रही है, भारत बंद के दौरान हमारे काम, व्यापार, नौकरी सब बंद है, खाने पीने का ही चल पा रहा है। अभी आने वाले समय में स्कूल फीस भी भरनी है, जो कि हमसे नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि जून तक की स्कूल फीस माफ कर दी जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुशील शर्मा और आज हम भारत बंद के दौरान हापुड़ के मधुबन कॉलोनी में मौजूद हैं, जहाँ पर हम एक फैमिली के विचार सुनने आए हैं। भारत बंद के दौरान इस फैमिली के क्या विचार हैं? तो मैम, भारत बंद के दौरान आप घर में समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं? घर का समय तो कामकाज में गुजर जाता है, क्योंकि इस समय सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, तो काम को बढ़ा हुआ है, इसलिए हम अपने बच्चों की देख रेख कर रहे हैं। और बस परेशानी तो है, देखो क्योंकि ये बंदी है, बहुत ज़्यादा भारत बंद है। अच्छी बात है, हम मोदी जी के समर्थन में हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और हमें घर में ही रहना चाहिए। बस थोड़ा सा हम आदरणीय योगी जी से ये चाहते हैं कि जो आने वाला समय है, अभी हमारे काम धंधे सभी के बंद पड़े हुए हैं और बहुत परेशानी का माहौल भी है, तो इसके चलते हुए थोड़ी हमारे आने वाले समय में जो स्कूल खुलेंगे, हम फीस का शायद ना ही प्रबंध कर पाए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप मतलब थोड़ा सा हेल्प की जाए, फीस माफ़ की जाए, अप्रैल मई जून की फीस माफ़ करी जाए और फिर जुलाई से उसी तरह से फीस दी जाए, हम उसमें सहमत हैं, लेकिन इसमें हमारा साथ है, बस यही थोड़ा सा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी गरीब लोगों के लिए और बाकी सारी जनता के लिए बहुत से प्रबंध में लगी है, अभी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि हमारी वित्त मंत्री, देश की वित्त मंत्री सीतारमण जी ने 1,76,000 करोड़ का पैकेज, राहत पैकेज दिया है, तो ये सब चीज़ें तो उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है, करना नहीं करना, मगर आपको इस भारत बंद के दौरान में जो समस्या है या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो जानना चाहूँगा। देखिए, प्रॉब्लम को थोड़ा सा हम लोगों को भी समझना पड़ेगा, थोड़ा हमें भी मैनेज करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम तो सभी के साथ है, लेकिन जो गरीब लोग हैं भारत सरकार उनके लिए करेगी, हम मिडिल क्लास लोग हैं उसके लिए तो हम थोड़ा सा ये चाहेंगे ना कि हमें तो अपने बच्चों के भविष्य का दिखाई दे रहा है कि आगे हम पढ़ाई की शायद फीस ना भर पाएँ, जो अब तक हम अपने बच्चों का कर रहे थे, जैसे भी कर रहे थे, लेकिन शायद हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम चाहते हैं कि बस 3 महीने की फीस ये माफ़ करी जाए और फिर वैसे ही लेते रहें जैसे चलती है, बस हमारे तो यही है। तो अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार से जो मीडियम और गरीब लोगों की मांग हो रही है, वो कहीं पर बिजली के बिल को लेकर हो रही है और कहीं पर स्कूल की फीस को लेकर, क्योंकि सब जनता को एक ही परेशानी है। मान लीजिए अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो फीस को लेकर बहुत ज़्यादा इशू है, तो हम भी अपने चैनल हापुड़ के माध्यम से चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी, जनता के इस सुझाव पर ध्यान दें। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।